Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. So start today's topic. So today's topic is skeletal system of cockroach. So cockroach ke skeletal system ke bare mein padhenge aaj hum. Ye bhi chota sa ek article hai, to hum dekh lete hain aur acche se samajh lete hain. Theek hai? So पहले हम NCERT के टेस्ट में क्या लिखा गया है वो देख लेंगे, उसके बाद हम अपने आसानी सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे. ओके, सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो. सो स्टूडेंट विद मी, लेट स्टार्ट. एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय मैलफिगियन ट्यूबल्स, है ना, यानी जो काकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें जो मैलफिगियन ट्यूबल होते हैं वो अपना एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं, है ना. मैलफिगियन ट्यूबल हेल्प इन एक्सक्रीशन. मेलपिगियन जो ट्यूबल्स होते हैं वो हेल्प एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. जैसे अर्थवर्म के केस में क्या था, अर्थवर्म के केस में जो था नेफ्रीडिया था, वहाँ पे वो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे थे. बट यहाँ पे क्या है, मेलपिगियन ट्यूबल्स जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसमें मेलपिगियन ट्यूबल्स एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. ठीक है, एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय मेलपिगियन ट्यूबल्स. ईच ट्यूबल्स इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल, है ना. जो जितना भी ट्यूबल्स होता है मेलपिगियन ट्यूबल के, प्रत्येक मेलपिगियन ट्यूबल्स में जो लाइन होगी वो क्या होंगी, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल की लाइनिंग होगी इसमें. ठीक है, उसमें ग्लैंडुलर सेल और सिलिएटेड सेल पाई जाएंगी. ठीक है, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड व्हिच एक्सक्रीट आउट थ्रू द बॉडी हैंड गट, है ना, हैंड गट के द्वारा ये एक्सक्रीट हो जाते हैं. यानी इसमें क्या बताया गया, इसमें हमको ये बताया गया जो मेलपिगियन ट्यूबुल होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं वेस्ट मटेरियल को. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद ये उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिक एसिड. ठीक है, यूरिक एसिड जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसमें यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, क्योंकि यूरिक एसिड में के एलिमिनेशन के लिए वाटर की ज़रूरत बहुत ही कम होती है. यानी यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक देन यूरिया एंड देन अमोनिया, बिकॉज अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक. अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया. ठीक है, जितना भी एक्वाटिक हैबिटाट होगा जिस उसमें एक्वाटिक हैबिटाट में जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे उसमें जो होगा एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, अमोनिया होगा, क्योंकि उसके वाटर की बहुत ज़रूरत होती है अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए. ठीक है, जो यूरिया होता है उसके लिए अमोनिया से कम वाटर की ज़रूरत होती है एलिमिनेशन के लिए. बस जो यूरिक एसिड होता है ये क्या होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है. यूरिक एसिड जो होता है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक. ठीक है, यानी बहुत कम जहरीला होगा ये. ठीक है, यानी जहरीला ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं, इंसेक्ट जो होते हैं पता नहीं पानी मिले ना मिले, है ना, कैसा क्या एडवर्स कंडीशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये भगवान ने जूदो भी बनाया है कि ऐसा बनाया कि लोग हर कोई अपने आप को सर्वाइव करा लें, है ना, आसानी से. अब एडवर्स कंडीशन आ जाए तो उसके बेसिस पे नहीं बोल सकते, बट जो नॉर्मल कंडीशन पे सभी अपने आप को सर्वाइव करा लें, ऐसा गॉड ने सभी को बनाया है. तो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है. यानी मेलपिगियन ट्यूबल्स नाइट्रोजन बेस को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, विच एक्सक्रीट आउट थ्रू द हैंड गट, जो कि हैंड गट जो था हमारे एलिमेंट्री सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वाला पार्ट था, उसके बाद हमारा क्या इसमें क्या था, फिर रेक्टम आ रहा था, है ना.
इसके बाद रेक्टम आ रहा था, उसके बाद एनस से सारी चीज़ें स्क्रीट आउट हो जा रही थी, ठीक है। यूरिक एसिड से कन्वर्ट होके ये हैंड कट से निकल जाता है, स्क्रीट हो जाता है। देयर फॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल यूरिकोटिलिक, है ना, यानी ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, यानी यूरिक एसिड इनकी बॉडी में बनता है, ठीक है, यानी एक्सक्रीटिव मटेरियल के रूप में। और जो ये यूरिक एसिड को अपनी बॉडी में निकालेंगे, यानी उनका एक्सक्रीटिव मटेरियल यूरिक एसिड होगा, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटिलिक, है ना, यूरिकोटिलिक बोलेंगे इसको, ठीक है। इंसेक्ट जो होते हैं यूरिकोटिलिक होते हैं, याद रखेंगे। ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आपको बताऊँगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अच्छे से, ठीक है। इन एडिशन द फैट बॉडी, इनमें इसे मैलपीडियन ट्यूबल्स के अलावा भी कुछ होता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, वो क्या हेल्प करती हैं वो हमको कुछ दिया गया है, देख लेते हैं। इन एडिशन द फैट बॉडी, फैट बॉडी होती हैं, ठीक है, नेफ्रियोसाइट्स होते हैं, नेफ्रियोसाइट्स रिलेटेड है किससे, किडनी से, है ना, नेफ्रॉन, जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, है ना, तो हमारे नेफ्रॉन होते हैं ना किडनी में, तो उसी तरह रिलेट कर लेंगे इसे, क्योंकि नेफ्रोसाइट्स जो हैं ये भी हेल्प करेंगे एक्सक्रीशन में, कहाँ पे करेंगे, कॉकरोच के स्क्रेटरी सिस्टम में, है ना। और यूरिकोस ग्लैंड, यूरिकोस ग्लैंड होती हैं, इसके नाम से पता चला, यूरिकोस ग्लैंड क्या करेंगी, यानी यूरिक एसिड के एलिमिनेशन में हेल्प करेंगी, हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड के एलिमिनेशन में हेल्प करेंगी, यानी जो यूरिक एसिड का स्क्रेटरी मटेरियल है इसका, कॉकरोच का यानी इंसेक्ट का, ठीक है, हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये भी यानी फैट बॉडी, नेफ्रियोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में कॉकरोच के, ठीक है। हमसे एक ऑप्शन में दे सकता है कि मैलपीडियन ट्यूबल्स, और उसमें चार ऑप्शन, ये भी तीन ऑप्शन ये भी दे सकता है कि ये चारों के चारों फंक्शन किस में करते हैं, कॉकरोच में एक्सक्रीशन का काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं, और भी हमको ऑप्शन बना देता है, तो इसमें कन्फ्यूज होने का नहीं, ठीक है। जो मैलपीडियन ट्यूबल्स होते हैं, फैट बॉडी होती हैं, और नेफ्रियोसाइट होते हैं, और यूरिकोस ग्लैंड होती हैं, ये हेल्प करती हैं कॉकरोच के एक्सक्रीशन में। तो आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ये सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इसमें इतना ही, जिसमें हम कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी।